जैसा कि देख पा रहे हैं, ये कबूतर हम जो इन भाई साहब के हाथ में है, तो कबूतर हम ख़रीदने आए हैं। तो ये देखिए, ये कबूतर की आंखें बिल्कुल सफ़ेद है और पुतली एकदम छोटी है, और इसकी आंखों में थोड़ा बहुत चमक भी है। तो इससे ये पता चलता है कि कबूतर बहुत ही अच्छे नस्ल का है। तो ये हमारा कहना नहीं है, ये पुराने कबूतरबाज जो हैं पहले के, वो मानते हैं कि कबूतर की पुतली छोटी हो, सफ़ेद आँख हो, पलके एकदम हल्के हल्के कटार हो आँखों में, पलकों में, और एकदम साफ हो, तो ऐसे अच्छे नस्ल के कबूतर माने जाते हैं। तो जैसा हमारा मानना है कि कबूतर ऐसे पकड़ के हम नहीं बता सकते हैं कि ये कबूतर उड़ेगा ही, अगर वाकई में अगर कबूतर अच्छा हो तो उसे उड़ा के देखना चाहिए कि वाकई उड़ता है या नहीं उड़ता है, तब बता सकते हैं कि कबूतर उड़ेगा या नहीं उड़ेगा। ऐसे नाखून पंजे और सुनी सुनाई बातों को लेकर अगर चलेंगे और कबूतर खरीदेंगे तो ये धोखा हो सकता है, क्योंकि हर खूबसूरत चीज़ उड़ता नहीं है। और हम भी ट्राई किए हैं उड़ा के, और हम तो ऐसे ही आ गए थे, ये खूबसूरत लगा तो देखने के लिए, और इसका दाम पूछ दिए तो भाई सब बता रहे हैं कि 1000 रुपये इसका लगेगा। तो देखिए, कबूतर तो खूबसूरत है, बगर मैं इसको हम लेंगे नहीं।